धर्मप्रेमी सज्जनवृंद एवं प्राणाधारात्म संबंधी सुंदर साथ जी, पिछले दो चर्चाओं में हमने मूर्ति पूजा से हानियाँ वेद उपनिषद के आधार पर और उसके बाद महाभारत तथा रामायण के आधार पर सुना। अब उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ पुराणों की तरफ दृष्टि डालते हैं, जिस पर दृष्टि डालते ही हमें सबसे पहले ये सोचने पर विवश हो जाना पड़ता है कि वास्तव में भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई। क्योंकि मैंने पुराणों का नाम लिया तो इसका तात्पर्य यह कि मूर्ति पूजा से पौराणिक काल में क्या क्या हानियाँ हुई और पौराणिक काल हम कहाँ से माने, अर्थात कब से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। चूँकि हमने पिछली जो चर्चा हुई उसमें अंतिम में महाभारत का प्रसंग सुना था, अब महाभारत के समय के बाद का जो समय है वह काल है पौराणिक काल। क्योंकि महाभारत के समय में जो युद्ध में हानि हुई वह सिर्फ जनहानि या आर्थिक हानि नहीं थी, उस युद्ध में जितने लोग मारे गए उनमें सभी ज्ञानी थे। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी, द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी थे। और महाभारत में जब लाखों व्यक्ति मारे गए, कुल 18 अक्षिणी सेना मारी गई, तो उसमें अधिकतम ज्ञानी समाज से विलुप्त हो गए। कुछ लोग जो बचे थे वह भी उस ज्ञान को आगे इसलिए नहीं बढ़ा पाए क्योंकि वो कुछ ही थे संख्या में, और संख्या में कम होने के कारण वो ज्ञान आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाए। और फिर क्या हुआ, भारतवर्ष अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त तो पहले से था ही, लेकिन महाभारत के बाद और छोटे छोटे टुकड़े बन गए। और उसी समय में अर्थात महाभारत काल के पश्चात बहुत सारे तंत्र ग्रंथों की रचना हुई और धीरे धीरे करके वाम मार्ग प्रचलन में आया। ऐसा नहीं है कि वाम मार्ग केवल महाभारत काल के पश्चात शुरू हुआ है, लेकिन जो बीज रूप में था, बीज रूप में उदाहरण के लिए रामायण के विषय में हमने सुना, रामायण काल में रावण की जो नीति थी, रावण की जो जीवन शैली थी, या फिर लंका में रहने वाले जितने भी राक्षस थे, केवल लंका ही नहीं लंका से बाहर के भी जितने भी राक्षस थे वो सभी वाम मार्गी थे। हवन कुंड में पशुओं को मार करके डालना, अनेक प्रकार के व्यभिचार करना, ये उन वाम मार्गियों का नियम था। अब वो वाम मार्ग जो बीज रूप में था, जो बिल्कुल अल्प लोगों में था, वह वाम मार्ग बचा हुआ इसलिए था समाज क्योंकि उस समय ज्ञानी थे, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का ज्ञान देने वाले ज्ञानी जीवित थे, इस वजह से वाम मार्ग से लोग अछूते थे। लेकिन जैसे ही ज्ञानी लोग विलुप्त हो गए, एक समाज का एक सिद्धांत है, चाहे आप इसको मनुष्य का मनोविज्ञान समझ लीजिए, चाहे आप इसको वैज्ञानिक सिद्धांत से तुलना करके देख लीजिए, साइंटिफिक थियरी है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि ऊर्जा हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। अगर हम इसी को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें और मनुष्य के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, साइकोलॉजिकल दृष्टि से, तो मनुष्य सकारात्मकता की तरफ जिस गति से बढ़ता है उससे अधिक गति से वह नकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। आपने देखा होगा, आप स्वयं विचार करके देख लीजिए, आपने अगर कोई अच्छा काम किया है तो लोग आपसे आकर के पूछते हैं कि क्या तुमने अच्छा काम किया, क्या तुमने ये काम किया और कैसे किया। 10 तरह के सवाल पूछेंगे, उसके बाद ही आपकी बात पर भरोसा करेंगे। लेकिन अगर आपके बारे में कोई गलत अफवाह उड़ती है, आपके बारे में कोई झूठी और निंदनीय भ्रामक खबर फैलाते हैं कोई, तो अधिकतर लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर लोग उस पर आपसे पूछने से पहले विश्वास कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, बुराई जल्दी फैलती है। अब हुआ क्या, महाभारत काल के पश्चात जब अधिकतम ज्ञानी मारे गए उस समय में, और धीरे धीरे करके जब वाममार्ग का प्रचार शुरू हुआ, और वाममार्ग का प्रचार शुरू कैसे हुआ,
क्योंकि प्रसंग जो चल रहा है पौराणिक काल में मूर्ति पूजा का, तो उसमें जड़ तक पहुंचना अनिवार्य है। क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा था ये एक प्रकार का रोग है, और आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जब तक बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होती तब तक उस बीमारी को समाप्त नहीं माना जाता। जब तक जड़ से समाप्त नहीं होती उस बीमारी के, उस रोग के फिर से होने की संभावना उतनी ही बनी रहती है। तो हम पहले जड़ को अर्थात मूल को समझते हैं। तो ज्ञानी लोगों के चले जाने के बाद जब अज्ञानी लोगों ने, अज्ञानी में उनको पूरी तरह से नहीं कहना चाहता, उनको मैं अर्ध ज्ञानी कहूँगा, क्योंकि उनके पास आधा अधूरा ज्ञान था। अब आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, किसी ने कहा बोलचाल की भाषा में एक कहावत प्रचलित है, कहते अल्पज्ञानी भयंकरी। जो आधा ज्ञानी होता है वो महाघातक होता है। अब आधे ज्ञानी व्यक्ति के साथ में एक और चीज़ जुड़ जाए, वह है उसका व्यक्तिगत स्वार्थ, तो फिर ये वैसा ही कॉम्बिनेशन बनता है, वैसा ही तालमेल बनाता है, जैसे कहते हैं एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। अब क्या हुआ, आधा अधूरा ज्ञान होने की वजह से उसने उन वेद मंत्रों का गलत अर्थ गठन करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूर्ण ज्ञान था नहीं। क्योंकि पूर्ण ज्ञानी होता तो वह इस तरह की बात नहीं करता स्वार्थ से भरा हुआ। और उसके साथ में जब स्वार्थ जुड़ गया तो उसने फिर उस आग में घी का काम किया, घी तो क्या पेट्रोलियम का काम किया, और इतनी जल्दी से ये आग फैल गई कि जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि हजारों हजार से अधिक वर्षों तक भारत गुलाम बना रहा। भारत की गुलामी के पीछे, भारत की परतंत्रता के पीछे मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा हाथ है। इसका मैं कारण स्पष्ट करूँगा, मूल में जाना पड़ेगा इसके लिए। वाम मार्ग का जैसे जैसे प्रचलन हुआ, वाम मार्ग में सिर्फ एक ही कारण नहीं है, वाम मार्ग के लक्षण बहुत सारे हैं। उनमें से एक लक्षण था कि उस समय जितने भी वाम मार्गी थे, जो अपने आप को तो वैदिक कहलाते थे, अपने आप को हिंदू कहलाते थे, अपने आप को सनातनी कहलाते थे, लेकिन उनका जो रहन सहन है वो वैदिक धर्म से पूर्णतः भिन्न था। अब वो अपने पूजा स्थानों में जहाँ भी इकट्ठे होते थे मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते थे, मैथुन में विश्वास रखते थे। तो अब उसको सत्य सिद्ध कैसे करें, अपने उन क्रियाकलापों को वो धर्म संगत कैसे सिद्ध करें, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वेद मंत्रों का गलत अर्थ करना शुरू कर दिया। गलत अर्थ कैसे, जैसे उदाहरण के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही इसको जानना आवश्यक है, उन्होंने क्या किया, जैसे हम यज्ञों की बात करते हैं, हवन की बात करते हैं, तो उसमें अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं, नरमेध यज्ञ की बात करते हैं, गोमेध यज्ञ की बात करते हैं, बलि वैश्वदेव यज्ञ की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस बलि शब्द को जानवरों को काट करके हवन कुंड में डाल देना साबित कर दिया। अब कोई ज्ञानी तो था नहीं, वो आधा ज्ञानी थे, बाकी लोग अज्ञानी थे। तो जैसे कहते ना अंधों में काना राजा, चाणक्य ने कहा यस्मिन देशे ध्रुम नास्ति तत्र एरंडापि ध्रुमायते, जिस जगह पर किसी भी प्रकार का वृक्ष नहीं होता वहाँ पर अरंडे का जो वृक्ष होता है, जो रेगिस्तान में पाया जाता है, वह भी हरा भरा शोभित सुंदर दिखता है। तो अज्ञानियों में जो आधे ज्ञानी लोग थे उन्होंने वेद मंत्रों का इस तरह से अर्थगठन करना शुरू कर दिया। अब उन्हें अगर मांस खाने की इच्छा है तो जानवरों को मारकर डालने के लिए उन्होंने कहा अश्वमेध यज्ञ, घोड़े को हवन कुंड में काट करके डाल देना वो अश्वमेध यज्ञ है, गाय को काट करके डाल देना ये गोमेध यज्ञ है, इंसान को काट करके डाल देना ये नरमेध यज्ञ है, अलग अलग जानवरों की इसमें बलि दी जाने लगी। जबकि उसका अर्थ क्या था, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, केवल संस्कृत में नहीं वैसे अन्य भाषाओं में भी है, लेकिन चूँकि संस्कृत भाषा का जो शब्दकोश है वो सबसे बृहद है, सबसे विशाल है, इसलिए उसमें एक एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, या फिर एक एक शब्द के अनेकों पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। अब गो का अर्थ केवल गाय नहीं होता, वेदों में सूर्य की किरण को भी गो शब्द से संबोधित किया है, इंद्रियों को भी गो शब्द से संबोधित किया है। तो जहाँ इंद्रियों को शुद्ध करने की बात थी, या फिर सूर्य की किरणों का मतलब वातावरण से है, वायुमंडल से, कि जहाँ जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है उन सभी वातावरणों को सुगंधित द्रव्यों से शुद्ध करने का नाम था गोमेध यज्ञ, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का नाम था गोमेध यज्ञ, और गायों का और बाकी सभी जानवरों का सही ढंग से देखभाल करने का नाम था गोमेध यज्ञ, लेकिन उन्होंने गाय को काट करके हवन कुंड में डालना साबित किया।
इसी तरह से अश्वमेध यज्ञ, अश्व का मतलब घोड़ा होता है और वेदों में अश्व का केवल घोड़ा अर्थ नहीं लगाया है, राष्ट्रम ही अश्व कहा है, राष्ट्र को अश्व की संज्ञा दी है। ऐसा कहा जाता है कि राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ का मतलब उन्होंने घोड़े को काट करके नहीं डाला था। अगर घोड़े को काट करके ही डालना होता तो आप पहले प्रसंग सुनते हैं कि जब विश्वामित्र जी के आश्रम में यज्ञ हुआ करता था तो वहाँ पर राक्षस जानवरों को मार करके डाल दिया करते थे, उनके मांस और हड्डियों को फेंका करते थे, तो उससे रोकने के लिए विश्वामित्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे। तो जब ऐसा ही काम राम से करवाना होता तो राम में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम में और उन राक्षसों में क्या फर्क था? उन्होंने घोड़े को काट करके नहीं डाला, उन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा की, अपनी प्रजा की रक्षा की हर तरह से, इसीलिए उनके राज्य को अभी भी राम राज्य कहा जाता है। लेकिन उन लोगों ने महाभारत काल के पश्चात जितने वाममार्गी हुए उन्होंने इसका भी गलत अर्थ किया। अब इस तरह से जब अनेकों जानवरों का यज्ञों में हवन होने लगा तो महाभारत के बीतने के लगभग 2500 वर्ष के बाद, अर्थात आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, क्योंकि 5100 कुछ वर्ष व्यतीत हुए महाभारत काल को समाप्त हुए, कलयुग की आयु शुरुआत हुई, अब उस समय में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। सत्य की खोज में निकले थे वो, उनके अंदर जो तीन इच्छाएं थी, तीन प्रश्न थे, उनका समाधान करने के लिए निकले थे। 7 साल तक उन्होंने कठोर तप किया और जब उन्हें जो कुछ भी उन्हें बोध हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो उसके बाद वो अपने ज्ञान के प्रचार के लिए निकल गए। जब उन्होंने एक सत्य की पहचान कराना चाहा लोगों को, अपने जो बुद्धत्व प्राप्त किया था स्वयं ने, उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहा, तो देखते हैं कि यहाँ पर तो इतनी सारी बाधाएं हैं, बहुत बड़ी बाधा है ये। और बाधा क्या? चूंकि गौतम बुद्ध ने शुरुआत किया, उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, वैसे उनका मत नहीं है लेकिन उन्होंने उस अहिंसा परमो धर्म का प्रचार किया। और अब वहाँ वो देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो कि वाममार्ग के आधार पर जानवरों की बलि दे रहे हैं, उन्होंने इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया उन अबोध प्राणियों को बचाने के लिए कि जो परमात्मा अगर इस तरह के प्राणियों को मार करके प्रसन्न होता है तो मैं ऐसे परमात्मा को नहीं मानता। अब जब इन्होंने इस बात का प्रचार किया तो होता क्या है कि गौतम बुद्ध ने जिस भाव से कहा उस भाव को उस समय के जो उनके शिष्य थे वो पूरी तरह से नहीं समझ पाए। और जब उनके शिष्यों ने गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया धम्मपद के रूप में, त्रिपिटक के रूप में, तो बाद में आने वाले लोगों ने उस बात को और गलत तरह से ले लिया। ये वैसा ही, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप लोगों ने अपने विद्यालय में, स्कूलों में एक खेल खेला होगा, एक गोला बनाया जाता है, एक सर्कल बनाया जाता है विद्यार्थियों का, उसमें गोल होकर के सभी विद्यार्थी बैठते हैं, फिर क्या करते हैं कि एक विद्यार्थी सामने वाले व्यक्ति के कान में कोई शब्द कहता है, फिर वो जो व्यक्ति था वो अपने सामने वाले व्यक्ति को, अपने पास वाले व्यक्ति को वही शब्द कहता है। जल्दी जल्दी से ये शब्द एक से दूसरे में पास होता जाता है और जब वापस उस पहले व्यक्ति के कान में आता है तो वो दंग रह जाता है कि मैंने तो ये शब्द कहा ही नहीं था। इसी तरह से अब बुद्ध ने किस भाव से कौन सी बात कही वो उनके शिष्यों ने पूरी तरह से नहीं समझा और उन्होंने उन ग्रंथों में जो बात लिखी थी वो आगे भविष्य में उसके बाद आने वाले लोगों ने पूरी तरह से नहीं समझा। तो गौतम बुद्ध ने जब ये कहा था कि जो ऐसा परमात्मा है कि पशुओं के बलि से, पशुओं के रक्त से प्रसन्न होता है तो मैं ऐसे परमात्मा को नहीं मानता, लोगों ने, बाद में आने वाले लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि कोई परमात्मा नहीं है, मैं परमात्मा को नहीं मानता, तो उन्होंने गौतम बुद्ध को ही ईश्वर के रूप में मानना शुरू कर दिया। उन्हीं के जो चिन्ह है, गौतम बुद्ध के चिन्ह, अर्थात उनके मरने के बाद, उनके देहांत के बाद में उनके बाल, उनकी हड्डियाँ, उनकी खोपड़ी अलग अलग ले जगह पर ले जा करके रखी, किसी जगह पर जा करके उन्होंने समाधि बनवा दी और फिर कहीं पर उनके ही अनुयायियों ने उनकी आकृति की मूर्ति बनाई। और धीरे धीरे करके उस समय, जब आपको पता है फाहियान और वेनसांग ये दोनों चीन के यात्री थे, ये जब भारत में आए तो पहली बार जब आया फाहियान आया तो उसने देखा
कि गौतम बुद्ध जो है उनकी मूर्ति कुछ जगह पर पधराई हुई थी। सबसे पहले फाहियन आया 400 ईसा पूर्व में। उसने कहा कि जब वह आया तो उस समय में काबुल में बौद्ध धर्म का प्रचार था और वहाँ पर बौद्धों के 500 विहार थे। जब वो मथुरा पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने 3000 के लगभग बौद्ध भिक्षुओं को देखा। क्षेत्रियों की जो राजधानी थे, क्षेत्रियों के जो छोटे छोटे राज्य थे जो कुल मिलाकर के राजपूताना कहलाते थे, वहाँ पर जितने भी राजा थे वो बौद्ध धर्मावलंबी थे। और वहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति को उसने पहली बार देखा जब पटना पहुँचा। पटना से पहले कहीं पर भी, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो मथुरा में हो, कहीं पर भी उसने बुद्ध की मूर्ति नहीं देखी। तो सबसे पहले मूर्ति देखी उसने पटना में, और वहाँ देखा उसने, वो लिखता है कि प्रत्येक वर्ष दूसरे महीने की 8वीं तिथि मूर्तियों की एक सवारी निकाली जाती थी, और उस समय में 4 पहियों का एक रथ बनवाते थे। उस रथ पर बाँसों का ठाट बांध करके 5 भाग बनाते थे और बीच में एक खम्बा रखते हैं जो कि 3 फल वाले भाले की तरह होता था, और वो 22 फीट के लगभग या इससे थोड़ा ऊंचा होता था और एक मंदिर की तरह दिखता था। और उसके अगल बगल में गौतम बुद्ध की मूर्ति के दाईं तरफ और बाईं तरफ देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी, छोटी छोटी सोने की चांदी की मूर्तियाँ और कांच के आभूषण इत्यादि रखे जाते थे, रेशम के वस्त्र रखे जाते थे, और ऐसे 20 रथ बनाए जाते थे। और फिर बहुत सारे गृहस्थी, बहुत सारे सन्यासी लोग एकत्रित होते थे, मेला लगता था, बाजे बजते थे, उसमें फल धूप इत्यादि चढ़ाते थे, खेल होता था। और श्रमण अर्थात जैसे हिंदुओं में सन्यासी साधु होते हैं, वैसे बौद्धों में श्रमण होते हैं। श्रमण लोग पूजा करने के लिए आते थे, और फिर एक एक बौद्ध जो है वो एक एक करके नगर में प्रवेश करते थे और वहाँ ठहरते थे, वहाँ गाना और खेल इत्यादि होता था। इसका मतलब क्या है कि फाहियन के समय में और कहीं पर गौतम बुद्ध के मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, लेकिन वहाँ शुरुआत हो चुकी थी, बीज डल चुका था। और फिर फाहियन के लगभग 200 वर्ष के बाद ह्वेनसांग, जो कि दूसरा चीनी यात्री था, चाइनीज, वो भारतवर्ष आया। और उसके आते समय वह फरगन, समरकंद, बुखारा और बलख होते हुए भारत में जब आया तो वह लिखता है कि जलालाबाद को उसने देखा कि ये बौद्धों से युक्त समृद्धशाली नगर है, और वहाँ पर उसने देखा कि 5 शिवालय हिंदुओं के भी थे। फाहियन के समय में कोई भी शिवालय नहीं था, हिंदुओं का कहीं पर भी ये जिक्र नहीं आता, ये वर्णन नहीं आता कि हिंदुओं का ऐसा मंदिर था जहाँ पर मूर्ति की पूजा होती थी। लेकिन जब फाहियन आया 200 वर्ष के बाद, तो हिंदुओं ने, मैं गौतम बुद्ध की कहानी उनका दृष्टांत में इसीलिए दे रहा था कि हिंदुओं में, या जिनको सनातनी कहें, चाहे लोग अपने आप को कहने के लिए वैदिक कहें, वैसे वो वैदिक नहीं है, क्योंकि वेद कहीं पर मूर्ति पूजा की अनुमति, मूर्ति पूजा की आज्ञा नहीं देता। तो भले ही वो अपने आप को वैदिक कहें, हिंदू कहें, सनातनी कहें, तब तक अर्थात गौतम बुद्ध से पहले कहीं पर भी मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। जब फाहियन आया तब भी कहीं पर हिंदुओं की मूर्ति नहीं देखी। तो फाहियन के 200 वर्ष के बाद जब ह्वेनसांग आया तो उसने देखा जलालाबाद में कि वहाँ 5 शिवालय थे, उस शिवालय में 100 पुजारी थे। उसके बाद जब वो कंधार और पेशावर में आया तो वहाँ पर 1000 बौद्ध संघाराम थे, संस्था थे, और वो खंडहर अवस्था में थे, क्योंकि धीरे धीरे करके बौद्ध मत का प्रचार उस समय में 200 वर्ष में थोड़ा कम हो गया। और वहाँ देखा कि उसने हिंदुओं के 100 मंदिर थे, 1000 के लगभग संगाराम खंडहर हो चुके थे, और 100 हिंदुओं के मंदिर उसने देखे। फिर उसने मालवा के राजा शिलादित्य का नाम बताया, और कहते हैं कि शिलादित्य विक्रमादित्य का पुत्र था। और उसने क्या किया, मनोहरित नाम के बौद्ध भिक्षुओं को अपमानित किया था। लेकिन उसने क्या किया, विक्रमादित्य ने उस भिक्षु को अपमानित किया था, शिलादित्य ने बाद में उसको बुला करके उसकी इज्जत की, उसकी प्रतिष्ठा की। और फिर फाहियन लिखता है कि पौलुस नाम का एक नगर था, और उस नगर में एक ऊंचे पर्वत पर नीले पत्थर को काट करके बनाई हुई एक देवी की मूर्ति थी,
और वहाँ धनी गरीब सब लोग इकट्ठे होकर के उस मूर्ति की पूजा करते थे। और उसी पर्वत के नीचे शिव जी का एक मंदिर था जहाँ पर भस्म लगाए हुए अनेक साधु रहा करते थे। फिर काबुल और चमन में 200 वर्ष पूर्व फाइयान ने बौद्ध धर्म का उत्कर्षण देखा था कि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार था, लेकिन उसके 200 वर्ष के बाद जब वेनसांग आया तो उसने देखा कि संघाराम सारे उजड़े हुए हैं और 10 हिंदू मंदिर हैं वहाँ पर। और उसने तक्षशिला में और कश्मीर में जैनियों को महावीर की मूर्ति की पूजा करते हुए देखा। लगभग गौतम बुद्ध के लगभग 59 या 60 वर्ष के बाद महावीर स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ, तो वहाँ महावीर स्वामी की मूर्ति की भी पूजा हो रही थी। अब सभी लोगों में प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी, बौद्धों में, जैनियों में और हिंदुओं में, कि किस तरह से वो अपनी मूर्ति की पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध की किसी ने मूर्ति बनाई तो एक मंदिर बनाया, तो हिंदुओं ने 5 मंदिर बना लिए काल्पनिक देवी देवताओं की, उन्होंने पूजा शुरू कर दी। जब वो मथुरा पहुंचता है तो मथुरा में उस समय में भी बौद्ध धर्म का प्रचार था। वहाँ उसने 20 संघाराम देखे, संघाराम मतलब बौद्धों की संस्था है, और वहाँ 2000 भिक्षुओं को उन संघारामों में पूजा उत्सव करते हुए पाया। और जब उसने गंगा की प्रशंसा सुनी, उसने सुना कि गंगा जो है वो पापों का नाश करने वाली है, तो वह हरिद्वार पहुँचा। हरिद्वार में उसने देव मंदिर को देखा और उसने सुना कि देव मंदिर में बहुत चमत्कार होता है। और वहाँ जब पहुँचा तो हर की पौड़ी के नाम से आज जो स्थान प्रचलित है, वो समय पत्थर का निर्माण हो चुका था, और उस समय में तो उस नदी में स्नान करने की महिमा भी लोगों ने प्रचार कर लिया था। और जब वो गुप्त राजाओं की राजधानी कन्नौज पहुंचा तो वहाँ पर उसने देखा बौद्ध और हिंदू समान मात्रा में थे, और यहाँ 100 संघाराम तथा 10,000 भिक्षु थे। इसी तरह से 200 मंदिर और हजारों पुजारी उसने देखे। अब सोचिए कि वेनसांग ने अयोध्या में बौद्धों के 10 संघाराम और 3,000 बौद्ध भिक्षुओं को देखा था, और वहीं पर हिंदुओं को भी उसने देखा था। तो इस तरह से जब श्रावस्ती, कौसाम्बी, काशी आदि जगह पर गए तो वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, बौद्धिस्ट कम हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन होने का जो शुरुआत है, मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है, वो गौतम बुद्ध के बाद ही हुई। ये इस कथन से अर्थात फाइयान और ह्वेनसांग के जो लेख हैं उनसे साबित होता है। वैशाली में जब गया तो वहाँ उसने बौद्ध संघारामों को खंडहर अवस्था में पाया। मगध में 50 संघाराम थे और 10,000 भिक्षु थे। इसी तरह से यहाँ हिंदुओं के 10 मंदिर भी थे। अब इससे पहले कहीं पर भी न बुद्ध की मूर्ति थी, न हिंदुओं में देवी की मूर्ति थी, न शिव जी की मूर्ति थी, न किसी और देवी देवता की पूजा थी, न शिवालय था। अब इस तरह से जब धीरे धीरे बौद्धों में और जैनियों में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, तो उनकी देखा देखी हिंदुओं ने भी अलग अलग देवी देवता की मूर्ति बना करके पूजा करना शुरू कर दिया। और इसके पीछे कारण ये था कि ये लोग चाहते थे या ये लोग सोचते थे कि जब बौद्धिस्ट जो है वो एक मूर्ति बना करके पूज रहे तो हम क्यों ना पूजें। इसी बहाने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसी बहाने लोग हमें दान दे रहे हैं, इसी बहाने हमारा जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो रहा है। तो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्होंने बौद्धों की और जैनियों की देखा देखी शुरू कर दी, और धीरे धीरे करके अलग अलग देवी देवताओं की कल्पना होनी शुरू हो गई। अब किसी ने 4 हाथ वाले रूप की कल्पना कर ली, किसी ने 8 हाथ वाले रूप की कल्पना कर ली, और उन रूपों की कल्पना में उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिख डाले जो कि पुराणों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर जब प्रसंग आता है पुराण का, क्योंकि आज का जो प्रसंग ही है वह है मूर्ति पूजा और पौराणिक काल, तो एक और प्रश्न जुड़ता है। क्योंकि मैंने कहा कि अलग अलग पुराणों की कल्पना कर डाली, तो आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये जो बात कही अलग अलग पुराणों की कल्पना की, ये तो झूठी लगती है, क्योंकि पुराणों की रचना तो वेद व्यास जी ने की है। सब लोग यही बात जानते हैं और यही सोचते हैं, जबकि पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, इसका मैं प्रमाण बताता हूँ। पहली बात, जितने भी पुराण हैं उन पुराणों के रचयिता अलग अलग हैं, लेकिन व्यास का जो अर्थ होता है, व्यास एक पदवी है। अपने समय में जो सबसे बड़ा विद्वान होता था उसको व्यास कहा जाता था। तो अपने अपने समय के जो अंधों में काना राजा टाइप के जो विद्वान हुए, उस प्रकार के जो विद्वान हुए, उन्होंने व्यास जी का नाम लेकर के अलग अलग ग्रंथों की रचना कर डाली। नहीं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपके परिवार में या आपके गांव में अलग अलग परिवार होंगे,
मैं आपके गांव में आता हूं और आपके घर में जब आता हूं तो बोलता हूं कि आप जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप जैसा तो और कोई है ही नहीं, आपके द्वारा ही ये पूरा गांव चल रहा है, आपके द्वारा ही पूरा देश चल रहा है, मैं आपकी तारीफ करता हूं। फिर दूसरी जगह पर जाता हूं दूसरे के घर में, तो उस घर में जा करके बोलता हूं कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं, और जिसकी मैं पहले तारीफ कर चुका हूं उसकी मैं निंदा करता हूं और बोलता हूं कि वो तो आपसे छोटा है। फिर तीसरे के घर में जाता हूं और तीसरे के घर में भी इसी तरह की हरकत करता हूं, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, आप मुझे कैसी समझा देंगे, मुझे बोलेंगे पागल है, बेवकूफ़ है या फिर सनकी है, ऐसा ही बोलेंगे ना। इसी तरह से 18 पुराणों में बिल्कुल ऐसी ही बात है। विष्णु पुराण में क्या कहा है, विष्णु ही परमात्मा है और उनके द्वारा ब्रह्मा जी की, शिव जी की और अन्य देवी देवताओं की रचना हुई और उसके बाद सृष्टि बनी। शिव पुराण में शिव जी को परमात्मा कहा और उसके बाद विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य देवी देवताओं को उनसे उत्पन्न हुआ माना गया है। देवी भागवत में देवी को सबसे बड़ा बताया जाता है और बाकी सभी देवी देवताओं को उनसे छोटा कहा जाता है और कहते हैं कि उनके द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई। तो आप किसकी बात को सच मानेंगे, कौन से पुराण की बात को सच मानेंगे? अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। अगर एक व्यक्ति ने, एक वेदव्यास जी ने अगर उनकी रचना की होती पुराणों की, तो फिर किसी पुराण में मूर्ति पूजा को अच्छा कहना और किसी पुराण में मूर्ति पूजा की खंडन करना ये संभव नहीं होता। एक वेदव्यास जी, एक कृष्णद्वैपायन व्यास किसी पुराण में तो कहें कि मूर्ति पूजा मुक्ति का साधन है और किसी पुराण में ये कहें कि मूर्ति पूजा करने से नरक में जाओगे, तो फिर आप किस बात को मानेंगे? क्या आप इस बात को मानेंगे कि वेदव्यास जी ने सभी पुराण लिखे? अब मैं आपके सामने कुछ प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ। पुराण वाक्य है, एक ग्रंथ है परापूजा, उसमें मूर्ति पूजा की आलोचना की गई है, पहले उसके बारे में सुनते हैं। कहते हैं पूर्णस्य आवहनम कुत्र सर्वाधारस्य वासनम स्वच्छस्य पाद्यमर्ध्यच्च शुद्धस्याच्यमनम कुतः सर्वाधारो निराधारः सर्वव्यापक ईश्वरः प्राणादि प्रेरकत्वेन जीवने हेतुरेव च। कहते हैं कि पूर्ण जो परमात्मा है उसका आवाहन किस तरह से, जो परमात्मा सबका आधार है उसको आसन कैसा, अर्थात उसको हम आधार कैसे देंगे। जो परमात्मा सबसे अधिक पवित्र है, जो सबको पवित्र करने वाला है, उसको हम अर्ध्य क्यों देते हैं, और जो सबसे शुद्ध है उसके लिए आचमन कैसा। परमात्मा जो सत्ता से सर्वव्यापक है, वह हर प्रकार के प्राणों का प्रेरक और जीवन का हेतु है। अब पुराण वाक्य हम सुनते हैं, पुराणों के वाक्य कहते हैं अधमा प्रतिमा पूजा, अधमा प्रतिमा पूजा स्तोत्र जाप्यम च मध्यमा उत्तमा निगमा पूजा सो अहम पूजा महात्मनः तीर्थेषु पशुयज्ञेषु काष्ठ पाषाण मृन्मये प्रतिमायां मनो यशाम ते नरा मूढ़चेतसः। क्या कहा है, कह रहे पुराणों का वाक्य है प्रतिमा की पूजा, मूर्ति की पूजा अधम है, अधम का मतलब सबसे नीच है, स्तोत्रों का जाप करना मध्यम है और ज्ञान के द्वारा पूजना, अर्थात ज्ञान से पहचान करके उस परमात्मा का ध्यान करना, वह उत्तम है। इसी तरह से अगले पुराण वाक्य में कहा तीर्थ में, पशुओं को मार करके हवन करने वाले यज्ञों में, लकड़ी में, पत्थर में और मूर्तियों में जिनका मन लगाता रहता है वे मनुष्य मूढ़ है, मूर्ख हैं और अज्ञानी है। ये किसी व्यक्ति का कथन नहीं है, ये पुराण के वाक्य हैं। इसी तरह से आगे कहते हैं पाषाण ही आलयम बध्वा देवः पाषाण एवच ब्रूहि पंडित देवः तु कस्मिन् स्थाने सतिष्ठति। कहते हैं पत्थरों से एक स्थान में बांध करके और देवता को अर्थात परमात्मा को पत्थर का बना करके, हे पंडित तू बता तो सही वह देवता कहां पर रहता है। ये कथन है पुराण का। अब आगे कहते हैं एक वाक्य है इस बात की खंडनी के लिए, जो पुराण वाक्य है उस बात की खंडनी के लिए कहते हैं नई कस्मिन संभवात, वेदांत दर्शन का एक सूत्र है ये, और इसका भाष्य करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं न ही एकस्मिन धर्मणि युगपद सद सत्वादि विरुद्ध धर्म समावेश संभवति शीतोष्णवत। जैसे एक वस्तु में एक ही समय में दो विरोधी गुण सर्दी और गर्मी नहीं रह सकते, उसी तरह से जो परमात्मा सर्वज्ञ है,
जो परमात्मा सत्ता से हर स्थान पर व्यापक है, ऐसा परमात्मा जो परमात्मा के लक्षण है, सत्य चेतन और आनंदमय। इस बात को मैं दोबारा दोहराता हूँ, शायद आपके आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा। दर्शन कहता है कि जिस तरह से एक वस्तु में एक ही समय में सर्दी या गर्मी जैसे दो विरोधी गुण एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार असत, जड़ और दुखमय इस संसार के प्रकृतिजन्य पदार्थों में सत्य, चेतन और आनंदमय परमात्मा नहीं रह सकता। ये दर्शन का कथन है।